कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन की आज अब उत्तराखंड में भी भड़कने लगी है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत उत्तराखंड में दौरा कर रहे हैं। टिकैत के दौरे से उत्तराखंड की राजनीति में हलचल देखने को मिल रही है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राकेश टिकैत ने उधम सिंह नगर में तिरंगा यात्रा निकाली। टिकैत ने तिरंगा यात्रा नानकमता से शुरू की और इस तिरंगा यात्रा को काशीपुर में खत्म करने के बाद राकेश टिकैत गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे। राकेश टिकैत अपने हजारों समर्थकों के साथ कृषि उत्पादन मंडी किच्छा पहुंचकर ध्वजारोहण किया। इस दौरान उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया। इसके साथ ही राकेश टिकैत ने उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर में 5 तारीख को होने वाली किसानों की महापंचायत के लिए लोगों से मुलाकात की। उत्तराखंड के दौरे पर सियासी पिच पर कई मायने निकलने लगे हैं, क्योंकि उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में भाजपा के लिए विधानसभा चुनाव में किसानों का संगठन हानिकारक रहने वाला है। तो वहीं उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में किसानों की रणनीति के लिए एवं राकेश टिकैत से सवाल किया गया तो वे खुलकर कुछ नहीं बोले। आज पूरा एक ये तिरंगा यात्रा थी जो नानकमत्ता से शुरू हुई और इसमें कुछ उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, कुछ ये कई जगह झंडा फहराया, लोग उसे मिले, बातचीत हुई, मीटिंगें हुई और 5 तारीख की मुजफ्फरनगर में बड़ी पंचायत है 5 सितंबर की, उसमें लोग आएंगे और दिल्ली के आंदोलन में लोग आते रहें और जाते रहें और अपने खेत पर भी ध्यान रखें, MSP पर भी ध्यान रखें, इन सब चीज़ों पर ध्यान रखें सरकार। उत्तराखंड तो आंदोलन चला रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से, हमारा आंदोलन चल रहा है। वो तो सरकार की क्या रणनीति रहेगी भाई, तो सरकार बताएगी। नहीं, आगे आपकी रणनीति क्या रहेगी, जिस तरीके से आंदोलन हमारा चलता रहेगा, हम पूरे देश भर में जाएंगे, पूरे देश में मीटिंगें करेंगे और जो सरकारों का जो काम है उसके बारे में बताएंगे। आज का आपका कासिम होगा भी क्या, चुनाव आचार संहिता लग गई, जब चुनाव आचार संहिता लग जाएगी तो चुनाव की बात कर लेंगे। लेकिन इशारों ही इशारों में काफी कुछ बोल गए, जिसकी अब राजनीतिक गलियारों में कई मायने निकाले जा रहे हैं। काशीपुर से माय भारत के लिए आरिफ खान की रिपोर्ट।